ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलेंद्र। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से लिए गए फैसला, ड्राइवर को जो पैसे दिए जा रहे हैं किन किन ड्राइवर को दिए जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ कमेंट करके ये बताइए आपके पास कौन सी गाड़ी है, टैक्सी, ऑटो, बैटरी रिक्शा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दो मुख्य घोषणा की है। पहला, लगभग 72 लाख लोगों को 2 महीने तक फ्री राशन दिया जाएगा, और दूसरा यह है कि ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये महीने दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं, क्या सिर्फ ऑटो ड्राइवर टैक्सी चालक को ही 5,000 रुपये दिए जाएंगे, बैटरी रिक्शा वाले को दिए जाएंगे या फिर नहीं दिए जाएंगे? फिर तो मैं आपको बता दूं, सभी ऑटो टैक्सी ई रिक्शा चालकों को 5,000 रुपया की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा ग्रामीण सेवा, RTO और अन्य सार्वजनिक वाहनों जैसे बैंक के सार्वजनिक वाहनों को चालक को भी लाभ होंगे। दोस्तों, सरकार उन सभी ऑटो टैक्सी ई रिक्शा चालकों को उनके बैंक खाता की जानकारी जुटा रही है, जिससे सरकार जल्द ही 5,000 रुपये दे सके। पिछले साल दिल्ली सरकार ने इसके लिए पोर्टल जारी किया था, जहां पर आप जानकारी अपलोड कर सकते थे और आवेदन की स्थिति चेक कर सकते थे। इस बार भी जल्द ही इनकी लिंक जारी की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्षेत्र स्तर पर कैंप लगाकर किए जा सकता है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।